ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीबीएसई सेवंथ क्लास सिविक्स का थर्ड चैप्टर अभी हम कर रहे हैं। इससे पहले वाले सबसे पहला चैप्टर आपने देखा था इक्वालिटी के ऊपर, कि हमें किस तरीके से समानता का सम्मान करना चाहिए, और दूसरे उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है भारत में, वो किस तरीके से कई चीजों में बहुत अच्छा है, खराब है, जो भी सिचुएशन थी हमने उसको जानने की कोशिश की, और क्या उसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखते हैं। तो ये जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसमें है रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। चैप्टर का नाम क्या है? हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ चाहता हूं कि आप एक बार सिर्फ मुझे ध्यान से देखें और सुने। कोई चीज ना समझ में आए तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल हम देखेंगे हम क्या बात करें। स्टेट, आप सभी जानते हो कि भारत में इस समय 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इस समय हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भारत के राज्य, जैसे पंजाब में किस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, हरियाणा की गवर्नमेंट क्या करती है, आपने सुना होगा ऐसे, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया, यूपी की गवर्नमेंट ने, योगी की गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया। तो मतलब यानी कि हम एक स्टेट की बात करें, और एक तरफ हम बात करते हैं पूरे नेशन की, राइट, पूरे भारत की। यानी कि हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको आपने पिछले सिक्स में पढ़ा था, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज जिसको बोलते हैं। तो जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, वहां पे कहां कानून बनते हैं, कौन लोग कानून बनाते हैं, उनके लोगों को क्या कहते हैं, उनकी संख्या क्या है। हालांकि आपके चैप्टर में इस समय सिर्फ स्टेट को लेकर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहीं पे आपका बेस बन जाए। बहुत ही सिंपल है दोनों चीजें, बस आपको एक तरफ ये ध्यान रखना है कि जब हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उस चीज को, और जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट, वो कोई भी एक स्टेट हो सकता है, उसके सामने स्टेट का नाम जरूर लिखा होगा, ठीक है, तब हम किस तरीके से करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मैंने यहां लिखा हुआ है स्टेट्स, यानी कि जितने भी राज्य हैं, और किस स्टेट की बात कर रहे हैं, एक स्टेट उनमें से आपके एग्जाम्पल के लिए पंजाब, और कंट्री में इंडिया, हम अपने भारत की। अब कई कंट्रीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ तो कंट्री को, इंडिया को नेशन बोला जाता है, उसके अंदर जो स्टेट्स हैं उनको स्टेट बोला जाता है। कई जगह पे ऐसे हैं जैसे रशिया में स्टेट्स को ओब्लास्ट बोला जाता है, ओब्लास्ट, राइट। हर एक जगह इनके अपने अपने नाम है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसको हम देखेंगे कि वहां पे कानून कहां बनते हैं, और भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब में अलग अलग एक चीज होती है जहां पे कानून बनते हैं, जिसको बोलते हैं लॉ क्रिएटेड, यानी कि लॉ कहां पर बनता है, कानून कहां बनते हैं, स्टेट में कहां बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। आपको सिर्फ याद रखना है लेजिस्लेटिव असेंबली, जब आप इसको दो तीन बार बोलेंगे तो आपको ये आप अच्छे से बोल भी लेंगे, लेजिस्लेटिव, जहां पे कानून बनते हैं, यानी कि विधानसभा, विधानसभा में। आपको फिर आपका ध्यान इस और खींचना चाहता हूं कि इसको लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली यानी सभा, और लेजिस्लेटिव यानी विधान, यानी जहां पे कानून बनते हैं। तो ये तो होगी स्टेट की बात। जब हम कंट्री में कहां पे कानून बनते हैं, एक ही जगह पे कानून बनते हैं, जब पूरी कंट्री केरला टू जम्मू कश्मीर, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक जगह कानून बनते हैं पूरे भारत के। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया है ना, वो पूरे भारत में किया है। तो ये जो मतलब कानून बनते हैं भारत के, वो कहां बनते हैं, पार्लियामेंट में। आपने नाम सुना होगा 101% पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसद, राइट। तो जो स्टेट में होती है, चाहे वो केरला की स्टेट हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं की भी हो, तो वहां पे जो कानून बनाने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो पूरे भारत में है उसका नाम है पार्लियामेंट। अब जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि हर एक स्टेट में इलेक्शन होते हैं, एक तो नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है और एक स्टेट पे इलेक्शन होता है। तो जो भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं उसमें एक संख्या निर्धारित की गई है उनकी जनसंख्या के हिसाब से। मैं यहाँ पे आपका ध्यान, हालांकि ये थोड़ा और आप बड़े होंगे तब आपको ये चीजें आएंगी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली, हम इसको और क्या लिख देते हैं, एल ए, यानी कि जो इसके मेंबर होते हैं, एमएलए आपने नाम सुना है ना, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो एमएलए होते हैं, ये लगभग 1.5 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक एमएलए होते हैं, 1.5 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक एमएलए होता है। और इसी तरीके से आप एमपी देखेंगे, एमपी यानी कि पी से पार्लियामेंट, एम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज पार्लियामेंट। इसके नीचे अप्रोक्सीमेटली 10 लाख
पीपल के ऊपर एक एमपी चुना जाता है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कम है, हरियाणा की, पंजाब की, बिहार की, यूपी की, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस हिसाब से, इन संख्याओं के हिसाब से हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज बनी हुई है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में बांटा हुआ है जहां पे कुछ लोग इलेक्शन लड़ते हैं और वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये जो डिफरेंट होगी, अब आप समझ रहे हैं कहीं की पॉपुलेशन ज्यादा है कहीं की कम है, तो यानी कि जो मेंबर्स हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली में ये अलग अलग होंगे। तो डिफरेंट इन ऑल स्टेट्स, ठीक है, लेकिन भारत में तो ये सेम ही है, सेम ही रहेंगे, क्योंकि पूरे भारत का ये वो एक ही पॉपुलेशन रहेगी उसकी, जब भी रहेगी पूरे भारत की कैलकुलेशन। स्टेट्स में पॉपुलेशन अलग हो सकती है ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिकल, कोई भी रीजन से, लेकिन पूरे स्टेट्स को मिला के तो एक ही रहेगी ना। तो वो क्या है, 543, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, 543 मेंबर्स हैं इसके, आपको सिर्फ ये याद रखना है। और आप दोबारा देखेंगे इसको, आप जॉट डाउन करेंगे फिर एक बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जैसे इंडिया में हम कहते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हम कहते हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद। हम कहते हैं हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, है ना, हम ये भी पूछ लेते हैं, सेम आंसर होगा इसका भी, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड यानी हेड कौन है स्टेट का, स्टेट यहां पे आपको पता है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो कंट्रीज को भी हम स्टेट बोल देते हैं। तो हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, या आपसे पूछा जाए हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या आपसे पूछा जाए हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। अमूमन बच्चे यहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया पता नहीं कौन होगा, तो राष्ट्रपति को ही कहते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, और उनकी वाइफ जो होती है उनको बोलते हैं फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया। तो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि अगर हम केरल की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो वहां का हेड कौन होता है, स्टेट हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज गवर्नर, जिसको राज्यपाल बोलते हैं, है ना। यू मस्ट हैव, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप ये सुन रहे हैं, आप प्लीज कोशिश करना अपने मम्मी पापा से आप इन किसके बारे में डिस्कस करें, वो आपको अपने तरीके से, और हो सकता है कि मैं आप तक वैसे ना पहुंच पा रहा हूं। ऐसे भारत का कौन होता है हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना, यानी पूरे भारत का एक ही होता है। गवर्नर जो है वो हर एक राज्य का एक होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। अब ध्यान दें, मैं बोल रहा हूं हेड ऑफ द स्टेट, अब मैं क्या बोल रहा हूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, और गवर्नमेंट का हेड हमेशा होता है द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ स्टेट एंड मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ कंट्री। स्टेट में जब हम देखते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो वो होता है हमेशा चीफ मिनिस्टर, जैसे हमारे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और हमारे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, तो चीफ मिनिस्टर स्टेट की बात। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे बात करें इंडिया पे, तो उसी को क्या बोलेंगे, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपने देखा लॉ क्रिएट कहां किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके जो मेंबर होते हैं उनको बोला जाता है एमएलए। नेशनल में कहां किया जाता है, पार्लियामेंट, इसके जो मेंबर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर आपने देखा कि मेंबर हर एक स्टेट में डिफरेंट होते हैं, लेकिन भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें कितने मेंबर होते हैं, 543। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं अभी, जो अगर बड़े मुझे अभी सुन रहे हो कि आप ये क्या बता रहे हो, तो उनके लिए मैं ये बात, हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर, है ना, हेड ऑफ स्टेट का कौन गवर्नर होगा, और हेड ऑफ द कंट्री कौन होगा, हेड ऑफ नेशन में, नेशन वाइज, दैट इज प्रेसिडेंट। फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट में चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नेशनल में प्राइम मिनिस्टर। अब मैं आपको इस चैप्टर से शुरुआत, क्योंकि इस चैप्टर में यही मोटी मोटी चीजें आप देखोगे, तो मैंने इसको थोड़ा सा आपको एलोबरेट करने की कोशिश की है। अब हम एक चीज यहां पे ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो एमएलए है वो काम कैसे करता है। जैसे आपका ये चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, तो ये आप एक कुछ पिक्टोरियल आप देखेंगे। इस पिक्टोरियल में क्या है, ये जो दो गुड़िया है ये आपस में न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाई वहां पे पानी की कमी हो रखी है, और पानी की कमी की वजह से ऐसे ऐसे इतने लोगों की मौत हो गई है। तो ये आप फोटो भी देख रहे हैं यहाँ पे कि डायरिया हो गया बच्चों को वहां पे, तो उसकी एक दूसरी सहेली बोलती है कि क्या डायरिया से भी लोग मर सकते हैं। तो इतने में फिर वो कहते हैं पता नहीं, गॉड नोज, लेकिन भगवान ना करे मुझे कभी ये हो। तो
उसके बाद क्या होता है कि जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो बाहर जाते जाते फिर कन्वर्सेशन करते हैं, तो एक गुड़िया दूसरी को बोलती है कि भाई मेरी मम्मी मुझे मना करती है कि बाहर का कुछ मत खाया करो, नहीं तो उससे बीमार होने के डर रहता है, आइसक्रीम वगैरह बाहर की नहीं खानी चाहिए। तो इतने में क्या होता है कि उनको कोई बोलता है स्टॉप, तो एक पुलिस वुमेन या पुलिस मैन होती है, वो उनको रोकती है और कहती है कि आप यहीं ठहरे, आगे रास्ता बंद है। तो जैसे ही वो सुनते हैं आगे रास्ता बंद है, तो वो एक देखते हैं भीड़ बहुत सारी लगी होती है, तो वो सोचते हैं कि मतलब वो पूछते हैं कि भाई रास्ता क्यों बंद है, तो कहते हैं कि उनका घेराव हो रहा है एमएलए साहब का, जो हमारे एमएलए। तो उन्होंने कहा एमएलए क्या घेराव क्यों हो रहा है, घेराव यानी उनकी घेराबंदी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया? तो कहते हैं कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसको उस चीज की उससे भी बड़ा उसने किया या उससे कम किया है, तो वो समझ नहीं पाते। तो इतने में वो दूर नजर उनकी चलती है, तो एक व्यक्ति वहां पर अब एक अपनी आवाज बुलंद आवाज में कह रहा होता है कि भाई पानी की समस्या को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और ये जो समस्या हो रखी है इसकी जिम्मेदारी एमएलए को लेनी चाहिए। तो वो जो भीड़ है उनमें से एक उनका नेता ये बात उनको कह रहा होता है कि भाई जो भी ये समस्या है उसकी जिम्मेदारी एक तो एमएलए को लेनी चाहिए और इसका समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। तो इतने में जो दूसरी गुड़िया होती है वो बोलती है ये कौन है, ये तो सब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब बड़ा ही पावरफुल लीडर टाइप है। तो दूसरी उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं, मैंने इनको टीवी पे देखा है, ये ही इज अ मेंबर ऑफ अपोजिशन। तो इन्हें क्या कहा कि ही इज अ मेंबर ऑफ अपोजिशन, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट बनती है उसमें कुछ कुछ मेंबर जो है वो सरकार के होते हैं, कुछ मेंबर उसमें सरकार के नहीं होते हैं, वो अपोजिशन में होते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि अभी जैसे हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए थे 2020 में लेटेस्ट, तो इसमें क्या है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने व्यक्तियों को इलेक्शन में खड़ा करती है कि भाई कौन ज्यादा जीत सकता है। तो ऐसी जैसे बीजेपी है वो अपने मेंबर्स को टिकट देती है, कांग्रेस अपने मेंबर्स को टिकट देती है, आम आदमी पार्टी अपने मेंबर्स को टिकट देती है, तो वो सभी टिकट जो दे रहे हैं वो क्या है, जैसे हम अभी देखते हैं कि मान लो ये पंजाब है ना, पंजाब के अंदर जो टोटल एमएलए की स्ट्रेंथ है, जो टोटल एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ है 170, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये 1.5 लाख लोगों के ऊपर एक एमएलए होता है, तो आप इससे थोड़ा अंदाजा लगाएं। तो यानी कि जो 1.5 लाख लोग हैं, ये कुछ लोग यहां रह रहे होंगे, कुछ यहां कुछ यहां कुछ, तो इनको कॉन्स्टिट्युएंसीज में बांट दिया है कि भाई ये एक कॉन्स्टिट्युएंसी होगी, ये एक कॉन्स्टिट्युएंसी होगी, 1, 2, तो सो ऑन करते करते वो टोटल कितनी हो जाएगी, 117, यानी कि 117 मेंबर और मेंबर्स यहां से चुने जाएंगे पंजाब से। पंजाब में टोटल कितनी है, 117। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती है अपने अपने कैंडिडेट्स को। अब ये जो एक नियम इसमें ये बना हुआ है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ एमएलए होंगे, यानी कि जैसे टोटल नंबर ऑफ एमएलए पंजाब में कितने होने चाहिए, 117, इसके हाफ से एक ज्यादा, इसके हाफ से एक ज्यादा मेंबर मिलकर सरकार बना सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसे ये एक 117 थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में टोटल एमएलए की ऐसी पॉपुलेशन कम है हरियाणा की, तो यहाँ पे एमएलए कितने, 90, तो यानी कि 90 का हाफ कितना होता है, 45। तो यानी कि अगर सरकार बनानी है तो कितने एमएलए को एक साथ में होना पड़ेगा, या एक ही पार्टी के कितने एमएलए को जीतना पड़ेगा, कम से कम कितने, 46, क्योंकि 45 अगर आप करोगे तो वो डेमोक्रेसी के हिसाब से वो तो बराबर हो गए, यानी कि उनके अपोजिशन में भी उतने हैं, तो उनको हाफ से एक ज्यादा मेंबर उनको चाहिए ही चाहिए, ज्यादा कितने भी हो जाए, अगर कम है तो यानी कि आप सरकार नहीं बना सकते हो, राइट। तो 190 या 117 जो वो हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, तो मैं भी आपको इसको थोड़ा और सरल तरीके से समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं। 2017 में पंजाब में इलेक्शन हुए थे, है ना, और 2019 में हरियाणा में इलेक्शन हुए थे। तो मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट का अलग है, जैसे दिल्ली में जो एमएलए की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 70 है, हरियाणा में 90 है, और अपना पंजाब में 170 है। तो आप देखेंगे ये आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि 117 सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया, 117 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा गया, उसमें से कौन सी पार्टी के कितने मेंबर जीते, यानी कि कांग्रेस ने अपने सारे मेंबर्स 117 जगह पे खड़े किए थे, लेकिन
उनमें से कितने जीते? 77। और आम आदमी पार्टी एएपी आपके कितने जीते? 20। शिरोमणि अकाली दल के कितने? 15। बीजेपी के 3 और एलआईपी के 2। अब हम जब इनको टोटल करेंगे तो ये कितना बनेगा? 117। अब 117 का हाफ करो, यानी कि कंडीशन क्या है, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी जो हाफ से एक ज्यादा है, तो हाफ क्या बनता है इसका? 59। लेकिन अकेले कांग्रेस के कितनी है सीट्स? 77। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पंजाब में इस समय कांग्रेस की सरकार है। क्या आप इस बात को, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, इनकी खुद की जो वैल्यू है, इनके खुद के जो मेंबर है वो उस नंबर को, वो जादुई आंकड़ा जो है वो टच कर चुके हैं। तो इसलिए क्या है कि ये जो पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब यहीं पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपका ध्यान थोड़ा सा और इसमें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, हरियाणा में टोटल कितने हैं मेंबर्स? 90। कितने चाहिए? 45 हाफ हो गए, एक ज्यादा चाहिए 46। लेकिन आप देखेंगे कि जो अभी 2019 में इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, वहां पे 40 मिले थे बीजेपी को, यानी कि इसको वो जादुई आंकड़ा नहीं मिला 46 वाला। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितने मिले? 31। जेजेपी को 10। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो खुद बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट होके, जैसे मैं भी इलेक्शन खड़ा हो सकता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं और मैं अगर जीत गया तो उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। वो कितने थे? 7। ठीक है, INLD इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1, HLP 1 हरियाणा लोक पार्टी। तो इनमें से अब आप देखेंगे कि किसी को भी जादुई आंकड़ा नहीं मिला, और जादुई आंकड़ा हरियाणा के मामले में क्या है? 46, राइट। तो किसी को नहीं मिला। अब क्या हो, अब या तो दोबारा इलेक्शन होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या होता है ऐसे केसेस में, दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल जाती है। जैसे अभी हरियाणा में अगर हम देखें, आपका पड़ोसी राज्य है, आपको पता होना चाहिए, तो बीजेपी और जेजेपी इन दोनों को जोड़ दो, 40 + 10 कितना हो गया? 50। हमें नंबर कितना चाहिए? 46, राइट। तो यानी कि इन दोनों ने कांग्रेस के साथ तो हाथ नहीं मिला सकते, बीजेपी कांग्रेस आपको बताया कि आपस में उनकी ज्यादा लड़ाई है, लेकिन बीजेपी ने किसके साथ हाथ मिला लिया? जेजेपी, राइट। जेजेपी पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए आप देखेंगे हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी से हैं, श्री मनोहर लाल खट्टर, और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जेजेपी पार्टी से हैं, राइट, दुष्यंत सिंह चौटाला। तो इसको बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट, यानी कॉलिजन से बनी है। यानी कि इनके बीच में कॉलिजन हुआ है, तब जाके ये वो जादुई आंकड़े को प्राप्त कर सके और तब इनके इनका जो है सरकार बनी है। यानी कि वो जादुई आंकड़ा तो चाहिए ही चाहिए। तो अब आपने इस चैप्टर में जब आप देखेंगे हुईज एमएलए, आपको बताया कि अब 1.5 लाख लोगों के ऊपर वो व्यक्ति होगा, तो वहां पे जो भी समस्या होगी उस जगह की, वो वहां के जो लोग हैं वो किसके पास जाएंगे? वो अपने एमएलए के पास जाएंगे और एमएलए को बताएंगे। अगर एमएलए नहीं बात मानेगा तो उसका घेराव किया जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था, भी सिचुएशन इस हालात में नहीं थी। फिर आप देखेंगे कि इसमें एक सीन देखेंगे आप, जो एमएलए जो जहां बैठते हैं उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा आप जानते हैं, उसके अंदर जब ये सारे मेंबर्स बैठते हैं, जितने भी 117 है और यहाँ पे 90 है, तो जब ये बैठते हैं तो इनका बैठने का तरीका ऐसे होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी उनके बैठने का अरेंजमेंट दूसरी तरफ होता है और जो अपोजिशन होती है उनका दूसरी तरफ होता है। अब देखो इसमें एक चीज और आपको समझनी है, जिसकी सरकार है, जैसे अगर हम पंजाब में बात करें तो 77 इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, तो इसके अलावा जितने भी एमएलए हैं उनको बोलते हैं अपोजिशन, मेंबर ऑफ अपोजिशन, यानी कि वो सरकार में नहीं है, वो मेंबर ऑफ अपोजिशन है। तो ये आपस में बातचीत करते हैं, तो क्योंकि वो हर एक एमएलए जो चाहे वो हारा हुआ है वो क्या है, उस तक जनता के सवाल आते हैं, तो वो विधानसभा में अपने जो भी मंत्री हैं सरकार के जो या मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल पूछते हैं वो लोग कि ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। आपकी बुक में आप देखेंगे जब आगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, 1.5 लाख लोगों के ऊपर एक एमएलए बनता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, ये छोटे छोटे एरियो में बांटा हुआ है इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, राइट।
ये आपकी ये MLA 1, MLA 2, MLA 3, MLA 4, MLA 5, ये आपको फिल करना है खुद, राइट। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन रूलिंग पार्टी में है और कौन अपोजिशन पार्टी में है, राइट। अपोजिशन कौन रूलिंग में है, रूलिंग यानी मेजोरिटी में जो होगा वो रूलिंग में होगा। आपकी बुक में हिमाचल प्रदेश को लेकर बताया गया है, लेकिन मैंने आपको हिमाचल प्रदेश तो हम बुक में पढ़ ही लेंगे, मैंने आपको पंजाब और हरियाणा का, एक तो मैंने आपको बताया कि फुल मेजोरिटी से सरकार बनाने की क्या है, दैट इज इन पंजाब, क्योंकि उनको जादुई आंकड़ा मिल गया, और हरियाणा में क्योंकि वो जादुई आंकड़ा नहीं मिला इसलिए दो गवर्नमेंट ने मिलकर आपस में कॉलिजन कर लिया, जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। ऐसे आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। अब हर एक एमएलए के ऊपर अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियां हैं, तो ये एमएलए अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में या उनके लिए कानून भी बना सकते हैं लोग, और कानून मतलब कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं ये ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट को कुछ मंत्रियों को दिया गया है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर तो हो गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसने फिर अपनी कुछ मंत्रिमंडल बनाए हुए जिनको देखो जो जीत गया मेजोरिटी में आ गया, मान लो 117 में से 70 एमएलए इनके आ गए कांग्रेस के, तो कांग्रेस के ये एमएलए मिलके फिर डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, और चीफ मिनिस्टर फिर ये डिसाइड करेगा कि कौन उसके मंत्री होंगे, और इन सबको जो शपथ दिलाता है वो कौन होता हैड ऑफ द स्टेट। और एक राज्य का हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं, गवर्नर को। तो यानी गवर्नर मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। और ऐसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जब तो हमारे इनमें से 272+ किसी की सीट आ जाती है तो उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल, गवर्नर जिसको हम बोलते हैं। तो इसी के साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये समझाने में शायद थोड़ा सा सफल हूं। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं, क्योंकि इसके ऊपर हर कोई बहुत देर तक बोल सकता है और इसको कई तरीकों से समझाया जा सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।